देश भर में आज ईद अल अज़हा यानी कि बकरीद मनाई गई और मुस्लिमों के सबसे बड़े त्यौहार में से एक बकरीद को लेकर के देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने की 10 तारीख को बकरीद का त्यौहार मनाए जाने की परंपरा है। ये पर्व रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद आता है और बकरीद को लेकर के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से ही तय होना चाहिए, इसके अलावा कहीं पर भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि परंपरा जो भी है उसे निभाई जाएगी, उसके अनुसार नमाज एक निर्धारित जगह पर ही हो और सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। बकरीद के इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी और राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल अज़हा के अवसर पर मैं सभी देशवासी और विदेशों में रहने वाले भारतीय, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये पवित्र त्यौहार त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। ये त्यौहार हमारे मानवता की निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, जैसे कि हम ईद पे रखते हैं व्यवस्था रखते हैं, उसी तरीके से हमने बकरीद पे व्यवस्था की है। जो भी रोड से इस रोड पे आ रहे हैं, मेन रोड पे जुड़ रहे हैं, उस सब पे बैरिकेडिंग की है और बड़े वाहनों को रोका गया है। चूंकि 7:30 बजे से नमाज है तो अभी से हमने बैरिकेडिंग कर दी है और सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और कोई भी जो पशु पकड़ने वाली टीम है वो भी एक्टिव है। नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई सारी की गई है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो समय 7:30 बजे से नमाज है।